श्री नरेश जी, बीपीओ नरेश शर्मा जी, और राजिंदर सिंह जी बैठे हैं, ये अपने मनजीत जी प्रिंसिपल, भाई बाल किशन जी हमारी आदरणीय बहन, रक्षा जी सरपंच यहाँ की, जहाँ दूसरे सरपंच भाई राकेश जी, हमारे भाई बाल किशन जी बीआरसी, कुलदीप जी, हमारे बलदेव जी, जितने यहाँ भाई तिलक जी बैठे हैं और भी बहुत सारे बैठे हैं, सबका नाम ना लेते हुए भाई रमणीक जी जहां उपस्थित वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, उच्च पाठशाला और राजकीय माध्यमिक पाठशाला और केंद्रीय पाठशाला तथा प्राथमिक पाठशालाओं के मुख्य अध्यापक, मुख्य शिक्षक, प्रधानाचार्य, जहां मेरे शिक्षक साथी भाई राजिंदर शर्मा जी बैठे हैं, इधर दो राजिंदर शर्मा, एक जिला का अध्यक्ष है, एक हमारे दोस्त है प्रमोद जी, भाई देशराज जी, भाई अवतार जी, और जिनका मैं नाम न ले सकूं से मैं क्षमा चाहूंगा, पत्रकार मित्र यहाँ है, वो जहां उपस्थित, सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी है इस संवाद की, वो मेरी आदरणीय एसएमसी की प्रधान, इन आपके सदस्य चुने हुए पंचायतों के प्रतिनिधि, आज का जो जो कार्यक्रम है इसका सार आप सब लोगों ने अगर गौर से सुना होगा, गौर से सोचा होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा, तो जो बच्चा जहां खड़ा था अरविंद मन्हास, उसने इस संवाद की जो मूल जड़ है उसको आपको समझाने की कोशिश की। आज हम सब में एक दौड़ लगी रहती है कि हमारा बच्चा बढ़िया स्कूल में जाए, बढ़िया पाठशाला में जाए, वो प्राइवेट हो और उसमें बहुत सारा पैसा लगे, बढ़िया बस आए, बढ़िया वर्दी मिले, बढ़िया ड्रेस मिले, पर पढ़ाई का उसमें स्तर हो ना हो, वही इस बच्चे ने जहां हम सबको सिखाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि मैं पैसे, मुझे पैसे पहले क्या कैसे डाला गया कि स्कूल में, उसके बाद दूसरे स्कूल में डाला, उसके बाद तीसरे स्कूल में डाला, और कोरोना ये ठीक है, कोरोना में भी निजी स्कूल वाला भी बैठा हो तो नाराज मत होना, इस महत्वपूर्ण कड़ी को बदलने का प्रयास किया, बदलने का हिम्मत रखी वो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने रखी, हम उनका दिल से धन्यवाद करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, सबसे ज्यादा शिक्षित, सबसे ज्यादा जानकारी वाले, सबसे ज्यादा सुविधाओं वाले हमारी सरकारी पाठशाला, सरकारी पाठशाला, और मैं अध्यापक साथियों का दिल से इसलिए धन्यवाद करता हूं, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे जिला परिषद का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे देश में किसी प्रकार का कोई संकट आए, अगर बॉर्डर पर सेना लड़ती है किसी लड़ाई के लिए, तो हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में हमारे टीचर भाई, हमारे अध्यापक भाई मेहनत करते हैं।